नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एग्री बड़ी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम हैं पारासर कृषि फार्म और गढ़ी ठाकुरन इनके फार्म पे, ठीक है। तो इस समय देखेंगे कैसी पैदावार निकली है, क्योंकि दोस्तों हमारे क्षेत्र में आलू की खुदाई लगभग शुरू हो गई है, धीरे धीरे करके शुरू हो गई है। तो पहले पारासर जी से बात करेंगे। पिछली बार आप लोग सब पहचान जाओगे, पिछली साल पारासर जी का वीडियो बनाया था मैंने, और इसलिए मैंने सोचा कि इस बार भी इन्हीं के से शुरुआत करें, क्योंकि काफ़ी बड़े किसान हैं हमारे क्षेत्र के, और देखते हैं इनके खेत में आलू कैसा निकल रहा है। पहले बात करेंगे, फिर चलाओ ट्रैक्टर तुम भाई, बुलाओ लड़का। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। पारासर जी जरा अपना परिचय दे दो, कौन सा गांव है? कुसमाकर पारासर गढ़ी ठाकुर के साहब। अच्छा, और जिला फिरोजाबाद, तहसील टूंडला, उत्तर प्रदेश, आगरा बेल्ट। दोस्तों यही आगरा खदौली बेल्ट ही है हमारी, टूंडला बेल्ट मानो, फिरोजाबाद वाली बेल्ट। तो पारासर जी अभी तो देखेंगे ट्रैक्टर चलेगा तब, कौन सा आलू है, कौन सी वेरायटी लगा रखी है इस खेत में? हॉलैंड है। हॉलैंड जी। हॉलैंड। हॉलैंड। कैसी चमक वमक तो बड़ी बढ़िया है, कैसी पैदावार निकल रही है? कम है, बहुत कम है। पिछली साल से 10 पैकेट का भैया कम निकलेगा। 10 पैकेट का बीघा कम। हाँ। पिछली साल से कितना एवरेज आया था एक बीघे में? एवरेज आया 55 और 60 का। ठीक है, इस साल? इस साल इस खेत में तो और कम जाएगा, 40 के आसपास निकलेगा। अरे तो पारासर जी क्या कारण रहा, आप तो इतना 15-20 पैकेट का बीघा कम निकलेगा इस खेत में तो? नहीं, आपको तो जी मान लो आप तो एक्सपीरियंस इतना है, आपको इतने आलू में ही बड़े बूढ़े है गए, तो जी कारण क्या रहा इस साल? जो अब जैसे जो कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार आम निकल रही है टूंडला में, कदौली में, आगरा में, क्या कारण है? ठंड लग गई है, कम से कम 50 दिन ठंड ऐसी पड़ी है कि जिसमें पौधे को पानी, प्रकाश, हवा की जरूरत होती है, एक भी चीज नहीं मिली है। अच्छा। हाँ, उसी का कारण है ये कि आलू फूला नहीं है। कोल्ड भर जाएंगे इस साल? कोल्ड तो 70% रहेंगे। अच्छा, 70% के लगभग, 70-65 रहेंगे, और बम्पर आलू, मोटा आलू तो निकलेगा ही नहीं। देखो हम क्या है कि हमारा, हम तो किसान से बात करते हैं, अभी हम आकलन कोई लगाए, कुछ लोग जो कहते हैं कि यूट्यूबर आलू को नहीं बिकने देंगे, भाई हमारा क्या है, हम तो भाई किसान बात कर रहे हैं हमारे चैनल, हम तो सिर्फ माध्यम है एक। सही है। आपके क्या विचार है, हम आपको और भी किसान देखेंगे इस चीज को। अब ज्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, वो तो आप ही बता सकते हो, मेरे को तो मालूम नहीं है कि पिछले साल इसमें कैसा निकला था। ठीक है चौधरी साहब, अच्छे खेतों में 10 पैकेट का भी कम निकलेगा एवरेज, अच्छे खेतों में भी। हाँ जी, और जो खेत जो पिट गए हैं उन खेतों में 15-20 पैकेट का भी हानि होगी। तो आपने, आप पे इस बार कितना बीघा आलू लगा रखा है आपने? है करीब 300 बीघा। 300 बीघा के आसपास, मतलब जो मान लो पक्के 100 बीघा और एकड़ मानो तो 60 एकड़ आलू। दोस्तों हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे किसानों में इनकी गिनती है, बढ़िया बीज लेके आते हैं, बढ़िया पैदावार निकलती है इनके खेतों में। और चलो अब देखेंगे, तो चलवाइए महाराज जरा ट्रैक्टर चलेगा तो देखें। चोई साहब, चलो मेरे चोई साहब हमारे आ जाओ। हॉलैंड हमारे गांव में ही है ना? है हमारे गांव में, वो किसान है पुन्नालाल सनोफ। क्या नाम है, क्या नाम है उनका? पुन्नालाल सनोफ लक्ष्मी सिंह, सुजात नगर। हाँ। उनका 5.5 बीघे में 178 कट्टे निकले। 178 कट्टे, मतलब उसमें भी 91 कट्टे छट्टा है सिर्फ। अब दोस्तों एक एकड़ में 178 कट्टे लगभग, एक एकड़ से ज्यादा तो काफी होशियार गांव है। अरे बढ़िया है, मतलब आलू के मामले में तो है ही है काम बढ़िया तुम्हारे गांव का। पहले ट्रैक्टर के पीछे देख लेते हैं, फिर उसके बाद ढेर से देख लेंगे, है ना। अब भैया मेरे हिसाब से तो जहाँ में 35 कट्टा का बीघा निकले हो, मेरे हिसाब भैया अपना अपना हर आदमी का हिसाब है, 40 है ये, चलो 40 मान लो। जहाँ में छट्टा है चौधरी साहब, छट्टा है लेकिन कम है, कम है, कम है। छट्टा तो है लेकिन कम है। कम है? कम। अच्छा अच्छा अच्छा, कम है। लगभग कितना, 3 एकड़ का खेत होगा ये, 15 बीघा होगा। चलो हमारे ढेर पे देखो, कहीं कहीं बढ़िया ठीक है, मतलब ठीक बढ़िया तो नहीं कह सकते। जहाँ
ये बारिश का इफेक्ट है सबसे बड़ा। ये आलू देखो क्या साइन मार रहा है, ये है आलू। इसमें क्वालिटी तो होगी, क्वालिटी तो है बढ़िया, साइज में नहीं है, साइज में नहीं है, साइज कम है। तू भी तो खुदाई पहन के गुल्ला है, साइज क्या है? पिछले साल तुम थे खुदाई पे? अच्छा अच्छा, आ जाओ महाराज ने, आ जाओ ढेर पे बात कर ले उनसे। आलू को साइज भाई साहब जे होना चाहिए, तो ईमानदारी थे जे तो हो, जे जे वाला जो जे साइज जे, इतना तो होना चाहिए था। ये हमारे पारासर जी हैं दोस्तों, काफ़ी मेहनत करते हैं, अच्छे किसान हैं। और ये रहा कोल्ड स्टोर, कालेश्वर कोल्ड स्टोर के जस्ट बगल में इनके खेत हैं। यहाँ पे राम कुमार मैनेजर हैं, जो राम कुमार मैनेजर हैं, जानते होंगे अपने क्षेत्र को, सब जानते ही हैं राम कुमार। उन्हीं का, राम कुमार का ही दोस्तों खेत है, उनके पिताजी हैं ये। खुदाई बड़े किसान हैं, बड़े किसान की तो खुदाई ज़्यादातर लग गई, समझो। हाँ लगभग एक दो दिन में जब भी शुरू हो जाएंगी। तो पारा सर जी हिसाब किताब तो ना गड़बड़ी है, पैदावार का है? पैदावार कम रहेगी, 15-20 पैकेट का बीघा, 15-20 लो। ये आलू हाइब्रिड है फिर भी कम निकल रहा है। लगभग पिछली बार मैं तुम्हारे खेतन में गहू, उन खेतन में 50 का आया था एवरेज, 50-55 का ध्यान है वहाँ आधे, तो उधर 50-55 का इतना आया था इस हॉलैंड का। और बहुत अच्छा आलू है, पिछले मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा दोस्तों नीचे, उसको देख लेना पिछली साल वाली को। इस साल इसमें गुल्ला ही गुल्ला है, छट्टा आप ये मानो, इस ढेर में जो छोटा सा ढेर जो भी लगा हुआ है इसमें छट्टा की बोरी बहुत कम निकलेंगी, बहुत कम। तो क्या ओवरऑल पैदावार ऐसी निकलेगी क्या क्षेत्र में? सबकी पैदावार और इससे डाउन निकलेगी, तो इससे तो किसान है बहुत बड़ा नुकसान है जाएगा, बिल्कुल नुकसान है। आप जा बताओ इसमें इतनी हैवी लागत लगती है खेत में, तो इससे तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें बराबर मामला हो पाएगा और घाटा जा सकता है। अरे बड़ा बुरा हाल है भाई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो अगर यही कंडीशन रही तो जी किसान को बहुत बड़ा नुकसान है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पैदावार किसान की इतनी कम निकल रही है, ओलावृष्टि जे बारिश हुई बेमौसम, और या अभी भी बारिश का कोई पता नहीं है, तो इससे किसान को बहुत नुकसान होगा। नुकसान तो है ही, नुकसान तो है ही ना। कोल्ड वाले भी, कोल्ड भी कम भरे जाएंगे अगर यही कंडीशन रही तो, बिल्कुल। बाकी पारा सर जी आप जो आप कहेंगे वो बात वजनदार होगी, सही है ना। ये कंडीशन है, देखो ये ट्रैक्टर चल रहा है, लौट के आ रहा है, आ जाओ नहीं फोटो खींचूंगा आपका। ट्रैक्टर के साथ खींचूंगा, मैं हल्का सा और दिखा दूं पीछे, कछु ना है। चलो चलो चलाओ चलाओ, देखो यहाँ तो कुछ ही नहीं है, क्या झुलसा उलसा आ गया था? झुलसा तो नहीं आया था, दवाई से खत्म हो गया। अगर ठीक पड़ी है बड़ा टाइम पे पानी लगाना पाओ आदमी, हाँ जाड़े से भी हो सकता है खत्म, है ना। हवा पानी प्रकाश तीन चीज जरूरत है पौधे को, सही बात है, तीनों में से एक भी चीज नहीं मिली है, उसी का कारण है पैदावार कट गई। कहीं कहीं तो ठीक सा निकल आता है, मट्टी ज्यादा आ रही है ना, ऊंची करो शायद मशीन। अच्छा है क्यों ड्राइवर साहब, पिछली साल तो तुमने खोदे, ये कैसा निकलता था पिछली साल लाल आलू? इस साल तो बढ़िया निकल रहा है, क्या तो आओ एवरेज 60-65 खुदाई दोस्तों धीरे धीरे शुरू हो रही है। आ जाओ पारा सर जी, ना फोटो खींच ले, ना रोक लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना वीडियो को, बढ़िया लगे तो।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।